क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2018 का मैच नंबर 7 इस समय खेला जा रहा है हैदराबाद में, और यहां पर एक बड़ा विकेट मिल गया है सनराइजर्स हैदराबाद को। विली स्टैनले की गेंद पर कियरन पोलार्ड हो गए हैं आउट। जी हां, शिखर धवन ने ये आसान सा कैच पकड़कर आउट कर दिया कियरन पोलार्ड को। बताते हैं कब हुआ ये वाकया। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर विली स्टैनले की गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे और शॉट खेल दिया वहां पर स्वीपर कवर पर। कियरन पोलार्ड ने बॉल को पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए वहां पर, और शिखर धवन ने बॉल को कैच किया और फिर अपने थाई को स्लैप करके उन्होंने डिसमिसल को एंजॉय किया। तो यहां पर एक बहुत बड़ा विकेट कियरन पोलार्ड, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए हाई स्कोरर मैच बना सकते थे इसको, लेकिन वो भी मात्र 23 गेंदों पे 28 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 3 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। तो यहां पर बड़ा विकेट मिलता हुआ सनराइजर्स हैदराबाद को मुंबई इंडियंस का। बता दें कि टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया मुंबई इंडियंस के खिलाफ। बहुत खराब शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस की, कप्तान रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए और फिर सिद्धार्थ कौल के एक ही ओवर में पहले ईशान किशन आउट हुए और उसके बाद इवान लुइस, और उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई और अब आउट हो गए हैं कियरन पोलार्ड भी।